नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू टू एक्सप्लोर की एक और वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त रोस्ट कैलाश। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो दिखाते हैं जिसमें आपको हम कार खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आज हम एक ऐसी वीडियो लेके आए आपके लिए जिसमें हम बताएंगे आपको कि आप अपनी कार कैसे, कहाँ और क्यों बेच सकते हैं। अगर आप अपनी कार बेचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। ज़्यादा मैं यहाँ बात नहीं करूँगा, पूरा बात हम वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले एक मैं ज़रूरी बात बता दूँ आपको, आप अपनी गाड़ी बेचने का प्लान बनाएंगे तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे और वहाँ पर विजिट करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ कास्ट 24 की। तो ज़्यादा देर नहीं करते और सीधे चलते हैं स्टोर पर और दिखा देते हैं वहाँ क्या प्रोसेस है, कैसे आप कार बेचेंगे अपनी और कैसे आपको पेमेंट मिलेगी, बाकी का क्या क्या प्रोसेस रहेगा। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे डॉक्यूमेंटेशन का क्या प्रोसेस रहेगा और फर्स्ट स्टेप से लेकर के लास्ट स्टेप क्या क्या रहेंगे और आपको यहाँ क्या करना है, क्या क्या रहेगा, सारा कुछ हमको मनोज जी बताएंगे। मनोज जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो हमको स्टार्ट से बताइए कि कोई भी कस्टमर इधर वॉक इन होता है तो क्या उसके लिए पहला स्टेप होता है और क्या क्या करना है उसको। सबसे पहले गुड मॉर्निंग आपको। कास्ट 24 में ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। हाँ। जो भी यूज़ कार बेचना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि लोगों के पास टाइम नहीं है। ओके। तो ये कास्ट ने बहुत सिंपल प्रोसेस बना दिया कि आप विद इन ए सिंगल विजिट आप अपने गाड़ी को बेच सकते हैं। ओके। तो हमारा जो है बहुत ही सिंपल स्टेज है। फर्स्ट स्टेज आप देख रहे हैं, यहाँ पे चेक इन होता है। जी जी। चेक इन में आप अपने मोबाइल नंबर से हमारे वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। ठीक है। अपॉइंटमेंट जनरेट होने के बाद आपके पास एक अपॉइंटमेंट आईडी आ जाता है। ओके। टाइम स्लॉट के हिसाब से आप हमारे पास आते हैं। चेक इन होने के बाद नेक्स्ट स्टेज जो होता है हम लोग का, वो होता है कार इंस्पेक्शन। ओके। जिसपे हमारे जो सीजे होते हैं, जो इंस्पेक्शन इंजीनियर्स होते हैं, आपकी गाड़ी का आपको 150 पैरामीटर्स में गाड़ी को पूरा कंप्लीट चेक किया जाता है। ठीक है। एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव भी किया जाता है उसपे। ओके। जो कि उसमें सस्पेंशन वगैरह, ब्रेक वगैरह चेक करने के लिए। ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जैसे मैंने आपको प्रोसेस था, सबसे पहले आपका होता है चेक इन। चेक इन से आगे प्रोसेस हम आपको ब्रीफ करते हैं कि ये कंप्लीट एक घंटे का प्रोसेस होता है। ओके। जिसमें से आधे घंटे का आपका इंस्पेक्शन होता है। ठीक है। और 24 मिनट के लिए ऑटोमेटिकली, जैसे हमारे इंस्पेक्शन इंजीनियर अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ओके, ऑटोमेटिकली वो गाड़ी ऑक्शन पे लाइव हो जाती है। ठीक है। वो लाइव होने के बाद साइमल्टेनियसली हमारे दो टीम बैठे हुए हैं जो कि हेड ऑफिस में है। जैसे सबमिट होता है, एक तरफ से हमारे सेल्स टीम जो है उस गाड़ी के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं कि बेस्ट प्राइस, जो फेयर मार्केट वैल्यू है, ओके, उसे हिट कराएं। ओके। और दूसरा होता है कि एक क्वालिटी टीम जिसको गाड़ी पे रिपोर्ट चेक करके वो देखते हैं कि इसमें वेरिएंट तो सही डाला इन्होंने। ओके। जो वेरिएंट है उन्हें गलत तो नहीं डाला, ये सारा कुछ वो चेक करते हैं, दोबारा क्रॉस चेक होता है। अच्छा, मेरा पहला सवाल ये है कि सर, कोई भी विजिट करता है, फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट ऑनलाइन नहीं लिया जी, क्या वो यहाँ आकर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, यहाँ चेक इन करा सकते हैं? डेफिनेटली, हम अपने वॉक इन कस्टमर्स होते हैं। वॉक इन कस्टमर्स में हमारे यहाँ पे होस्टेस हैं जो कि आपको अपॉइंटमेंट जनरेट करने में हेल्प कर देंगे। वो आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर बताना होता है। कोई आदमी जब अपनी कार लेके आता है तो उसको क्या क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं जो लेके आने हैं साथ? कस्टमर्स को यही बताते हैं कि जब भी आप आए अपनी गाड़ी को, क्योंकि देखिए गाड़ी जब सेल आउट करने के लिए होता है तो कुछ डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं, जो कि आपका आधार कार्ड हो गया, ओके, पैन कार्ड हो गया, ओके, एक पासबुक का फोटोकॉपी या कैंसिल चेक एक में चाहिए, ओके, और प्लस हो सके तो दो पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ लेके आए हूँ। ओके। ये जब आएंगे तो ये डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करता है। ठीक है। मैं गाड़ी सेल करने के लिए आपके पास आया हूँ, लेकिन गाड़ी किसी और की है जी, यानी कि मेरे रिलेटिव की है, मेरे फ्रेंड की है, या मेरे किसी भी जो मेरे से एसोसिएट है उनकी गाड़ी है, तो क्या उसका क्या प्रोसेस रहेगा? क्या मैं उसे मैं सेल कर सकता हूँ या उनका होना ज़रूरी है जिसके नाम पर गाड़ी है?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम प्रेफर तो यही करते हैं कि जिनके नाम पे गाड़ी है वो खुद आए इंस्पेक्शन करवाने के लिए. इफ़ इन केस ऐसा होता है कि फैमिली में वो नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ में हम क्या करते हैं कि हम कस्टमर को यही कहते हैं कि सर अगर आप गाड़ी किसी को दे रहे हो वो इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं तो उन्हें अपना आधार कार्ड दे के भेज देना या एक अथॉरिटी लेटर आप दे के भेज देना कि हाँ मैंने ऑथोराइज़ किया इनको गाड़ी इंस्पेक्शन के लिए. ओके, तो हम उस बेसिस पे उनका इंस्पेक्शन करवाते हैं. और जब वो कस्टमर या ड्राइवर कोई भी आता है यहाँ पे गाड़ी लेकर उनका उनके बिहाफ में, तो हम एक बार कस्टमर को फ़ोन करके बात भी कर लेते हैं कि सर आपकी गाड़ी कन्फर्मेशन लेते हैं. यस, हम चेक इन करने से पहले कन्फर्म करते हैं कि आपकी गाड़ी नंबर ये है. ओके, आपकी गाड़ी यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आ चुकी है तो हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरा कि मैं गाड़ी किसी और की लेकर आया, मैंने सारे प्रोसेस जो भी आपका कम्प्लीट होने के बाद में जो पेमेंट आप डिसबर्स करते हो, क्या वो जो लेके आया गाड़ी उसके अकाउंट में या जो कस्टमर है डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाएगा जिसके नाम से गाड़ी है? सबसे पहले कास्ट 24 हम ट्राई ये करते हैं कि ये जो कस्टमर के अकाउंट पे उनके पास ही पेमेंट जाए. हाँ, कोई भी जैसे थर्ड पार्टी पेमेंट वो हम प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं. 90% तो ये होता है कि हम थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं करते हैं. कोशिश करते हैं कि कस्टमर के अकाउंट पे ही वो ट्रांसफर हो जाए और उन्हें भी यही चीज़ हम कहते हैं. तो क्या कस्टमर को भी कोई प्रोटेक्शन रहता है या जो आपके चैनल पार्टनर्स हैं सिर्फ उन्हीं के लिए कोई प्रोटेक्शन है या कुछ ऐसा कोई ऐसा प्लान होता है? देखिए हमारे यहाँ पे सबसे मेन हम प्रायोरिटी रखते हैं अपने कस्टमर्स को. उनकी गाड़ी को आप एक सेफ साइड जगह में आप सेल आउट कर रहे हैं तो एक प्रोटेक्शन पॉलिसी हम उन्हें देते हैं, ठीक है, जो कि मान लीजिए आपने हमें गाड़ी बेच दी टिल द टाइम आरसी जब तक ट्रांसफर नहीं होता है तब हम उन्हें एक कस्टमर प्रोटेक्शन पॉलिसी में उन्हें कवर रखते हैं जो कि वर्थ ऑफ 10 लाख रुपीज़ का होता है. उसमें क्या होता है कि अगर गाड़ी में कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ अगर होता है जो कि अभी तक नहीं हुआ है बट इन दैट केस अगर होता है तो कास्ट 24 ही सारा लीगली वो सपोर्ट करते हैं. okay. जिसमें कस्टमर्स को कुछ भी मतलब हेडेक नहीं है कि वहाँ पे आपको कोर्ट पे जाना पड़ेगा या मुझे चालान पे करना पड़ेगा. okay. और वो ऑन पेपर हम आपको लिख के देखते हैं. okay. और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है वो चीज़. okay. पूरा कंप्लीट साइन एंड सिग्नेचर होगा विद कंपनी सील के साथ. okay. और आपको वो पेपर दिया जाता है. ओके, मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं या आप खुद परचेज करते हैं या क्या, ये थोड़ा सा हमें समझाने की कोशिश. सबसे पहले देखिए इंस्पेक्शन तो कंप्लीट हो गया है. इंस्पेक्शन के बाद क्या होता है कि मैंने आपको जैसे कहा था पहले कि ये गाड़ी ऑटोमेटिकली हमारे पैनल पे लाइव हो जाते हैं जो कि पूरा पैन इंडिया में भी ये लाइव होता है. ओके ओके, तो कितने आपके पास लगभग पैनल पार्टनर हैं? लगभग देखिए चैनल पार्टनर्स आप मान के चलिए मतलब दिल्ली एनसीआर में हमारे पास कम से कम 1500 चैनल पार्टनर्स है. ओके ओके, तो वो और पैन इंडिया में इट्स मोर देन लाइक 3000 to 4000 चैनल पार्टनर्स हमारे पास है. ओके, जो कि पूरे आपको पैन इंडिया पे होता है. मान लीजिए आपकी गाड़ी अगर महाराष्ट्र नंबर हो या बेंगलोर नंबर हो चेन्नई नंबर हो कहीं पे भी आपकी गाड़ी उसी प्राइस में हम आपको सेल आउट कर सकते हैं. दिल्ली के अंदर एक ऐसी रिपोर्ट आई है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो गाड़ी को अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं कराते हैं और ऐसी गाड़ी चलाते जी, रहते जी, हैं, ठीक है ना. लेकिन मेरे पास वो सेल लेटर है, उस कंडीशन में क्या ओनर का गाड़ी का होना जरूरी है या नहीं? सर सबसे पहले तो हम उस कंडीशन में थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं गाड़ी लेने से. हाँ, क्योंकि हम सजेस्ट करते हैं कस्टमर को कि जब आपने उनसे गाड़ी ले रखी है तो एक बार आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लें, इसके बाद हम गाड़ी को इंस्पेक्शन करते हैं. ओके, बट अगर वो कहते हैं कि सेल लेटर है मेरे पास, कस्टमर भी आ जाएंगे यहाँ पे अगर फिर से दोबारा रीडॉक्यूमेंटेशन अगर होता है, कस्टमर भी आ जाते हैं, इन दैट केस में हम अथॉरिटी ले लेते हैं या मेल ड्रॉप करते हैं हम अपने टीम को कि ये ऐसी गाड़ी है जिस पे कस्टमर जो है डील के टाइम पे आ जाएंगे बट उन्होंने इनको गाड़ी बेच रखी है. ओके, तो कंफर्मेशन करने के बाद ही हम ट्राई करते हैं कि उसको प्रोसेस करें. ओके, मतलब ये चीज़ आप ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और जो आप डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसफ़र वगैरह का आरसी ट्रांसफ़र जो भी होता है क्या उसका कोई चार्ज होता है या वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? यहाँ पे हमारा जो कंप्लीट प्रोसेस है ये प्रोसेस आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है इस पे अभी. ओके, जब तक इंस्पेक्शन आप करवा रहे हैं इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन फ्री हो गया जी. हाँ, आरसी ट्रांसफर भी उसकी रिपोर्ट जनरेट होगी जी. हाँ ओके ठीक है, बताइए. इसके बाद आरसी ट्रांसफर भी फ्री हुआ है हमारी तरफ से, ठीक है. बट अगर आप अपने डील को फाइनल करते हैं तब जाके फादर प्रोसेस का आपका जो होता है सर्विस चार्ज आपको पे करना होता है जो आपका अलग अलग स्लैब्स के लिए अलग अलग सर्विस चार्जेस हैं. ओके ओके, 1 लाख रुपीस वाले सर्विस चार्ज में आपको 2000 प्लस जीएसटी है. ओके चलिए, वो तो क्या करते हैं हम, आप ये स्नैप आएगा एक क्या किस स्लैब के हिसाब से कितना चार्ज है और कितना जीएसटी है क्योंकि हम बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा. अब सर मेरा एक और सवाल आता है कि मैंने मान लो मैं सोच के आया कि मेरी गाड़ी 1,50,000 रुपये की बिकनी चाहिए लेकिन उसकी अमाउंट निकल के आई बिडिंग में 1 लाख जी. अब आपने रिपोर्ट जनरेट कर दी, अगर मैं चाहूँ कि भाई मुझे ये रिपोर्ट चाहिए जी
तो क्या आप वो मुझे रिपोर्ट दोगे या मुझे खाली आप बैरिंग जाना पड़ेगा? रिपोर्ट के लिए क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया हमारे यहाँ पे ISO सर्टिफाइड होता है। हाँ। जो रिपोर्ट बनता है वो ISO बेसिस के बनता है उस पर। तो आपको रिपोर्ट डेफिनेटली आप हमसे खरीद सकते हैं, जिसका चार्ज होता है वो आपका 299 ओनली। ओके जी। वैसे हम अगर आप गाड़ी सेल नहीं कर रहे हैं और आपने रिपोर्ट लेनी है तो आपको 299 पे करना पड़ेगा, जो कि आपको पूरी जो जेन्युइन रिपोर्ट है वो मिलता है जी। बाकी अगर आपके कोई भी इससे रिलेटेड सवाल हैं, जवाब हैं, जो कुछ भी अगर मुझसे आप पूछना चाहते हो, और यहाँ पर आने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर है, पूरे ऑल ओवर इंडिया पैन इंडिया इसके स्टोर्स अवेलेबल हैं, और 1.5 से 2 घंटे का टोटल प्रोसेस है, कंप्लीट 2 घंटे का प्रोसेस है, और हैंड टू हैंड पेमेंट होती है। जी हाँ, पेमेंट जो सीधा ट्रांसफ़र होगी कस्टमर के अकाउंट में। ये था आज का ब्लॉग, और उम्मीद है कि आपको कुछ अच्छा लगा होगा। ये भी हम पहले तो कार आपको ख़रीदने के लिए वीडियो दे देते, आज एक ऐसा वीडियो दे रहे हैं जिसमें आज आप अपनी कार बेच सकते हैं, वो भी बेस्ट वैल्यू ले सकते हैं। उम्मीद आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। वही मेरे 2 शब्द, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहो। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलता हूँ अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।